हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग गाइस। सो मैं सुबह उठ के जल्दी से नहा ली क्योंकि ठंडी में नहाना सबसे बड़ा चैलेंज होता है, और ख़ासकर जब कि आप डेली नहाते हो तो फिर सबसे अच्छा है कि सुबह नहा लो, क्योंकि फिर आप सोचते हो यार ठंड लगेगी, आप रोज़ पानी को छूते हो। इसलिए तो मैं नहा चुकी हूँ और ब्रेकफास्ट तो अभी बन नहीं रहा है, अभी बज रहे हैं 11, तो मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। खैर, दीपक सुबह 7 बजे सॉरी 6 बजे आ गए थे। अब मेरे अंदर की आत्मा तो बोलती है, या मेरा मन जो भी बोलता है, कि 6 बजे चाय बनानी थी लेकिन उनके लिए, बट क्योंकि मैं पूरी रात जगी थी बच्चे के चक्कर में, उसका पेट थोड़ा ख़राब था, अपसेट था, तो बेबी ने थोड़ा पूरी रात मुझे जगाया, तो मैं ज़्यादा नहीं 9:40 तक सो गई। फिर 9:40 से मैं उठी, उसके बाद मैंने चाय बनाई, और फिलहाल मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी, क्योंकि ब्रेकफास्ट बनाऊँगी फिर लंच बनाऊँगी तो क्या ना बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं अभी लंच बना लेती हूँ, और अभी बेबी को भी भेजने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बेबी के आ चुके हैं चाचू, दीपक चाचू, तो चाचू संभाल रहे हैं अच्छे से। जब इनके बेबी के दीपक चाचू रहते हैं तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहती है, घर में बच्चा रहता है, मतलब मम्मी पापा के पास ज़्यादा तो भी कोई टेंशन नहीं रहती है, यह है कि कोई घर में देखने वाला रहता है। नेक्स्ट बात यह है कि मुझे किसी ने मेरी वीडियो पर कमेंट करके ये बताया था कि आप अपने बारे में बताओ। चलो ठीक है, मैं वही बता देती हूँ। तो मेरे मम्मी पापा हैं आगरा से, और हम 3 बहन भाई हैं। मेरा बड़ा भाई है, उसका नाम दीपक है, वो बड़ा है, फिर मैं हूँ ज्योति, और मेरे से छोटी और एक बहन है जिसका नाम है पूजा। जब आपको पता होगा लॉकडाउन लगा था उसी टाइम हम लोग यहाँ फरीदाबाद में शिफ्ट हुए थे। फिर उसके नेक्स्ट ईयर मेरी शादी होगी विष्णु से, तो हमारी शादी को लगभग 1.5 साल हो चुका है। विष्णु है हरियाणा से, ओके, मैं हूँ विशाखापट्टनम से, और जो हमारा बच्चा है वो यहीं दिल्ली से, तीनों अलग अलग जगह से। हाँ, एक और चीज़, लोग मुझे बोलते हैं कि आपके बच्चे का नाम क्या है, क्योंकि नाम रखा गया था कुछ और, आप बोलते हो कुछ और, तो मैं बता देती हूँ। बच्चे का जो नाम डेडिकेशन पे रखा गया था वो है जोसफ, और हम टीमो बुलाते हैं। टीमो का फुल फॉर्म एक्चुअली है तिमोती, ये उनका नाम रखा था, उनकी जो दादी माँ है शर्ली एब्राहम, उनका नाम है, हमारी पास्टर मम्मी है, उन्होंने रखा था तिमोती, तो हम टीमो करके घर में उसको बुलाते हैं। तो लंच में मैंने बनाया है दाल, चटनी, ये है अचार है, छाछ, चावल, पराठे, और रोटी भी बनाई है। ये देखो टीमो भैया, हाय बोलो सबको, हाय गाइस, मैं हूँ टीमो। बहुत खेली खेली चल रही, आज इतनी खेली खेली नहीं चलेगी, नहीं। हाँ टीमो, आज ज्यादा नहीं खेल रहा। अरे आपका नाम क्या है, बताओ नाम, बताओ अपना नाम बताओ, देखो सब जानना चाहते हैं बेबी का नाम क्या है। शाम के हो रहे हैं 7 बज रहे हैं, और मैंने 4 कप कॉफ़ी बनाई थी, बट फिर बाकी सब आ गए, तो फिर मैंने सबके लिए 4 कप कॉफ़ी थी उसको 4 से मैंने 8 में कर दी, और ऐसे छोटे छोटे होते ना पेपर कप्स, इसमें कॉफ़ी डाल दी मैंने। छोटे समोसों के साथ छोटे कप में और में। समोसे तो बड़े अच्छे हाँ करें, तभी तो कप भी इतने अच्छे हैं। हाँ घर में कौन वाले नहीं लिए हैं ना, ले लिए मिला ही नहीं, वो सोने के लिए रो रहा था।
रो रहा था, मैंने सुना नहीं। इस बार तो लगभग तीन थी सर करना वाला। अरे इनके साइज साइज के अकॉर्डिंग चाहिए। बड़ों बात अलग है, ये पौवे के शॉर्ट्स नहीं। हाँ हाँ नहीं जाएंगे। दो मैं ये पकड़ लेती हूँ, एक प्लेट में गए थे प्लास्टिक प्लेट का, ये भी चलो कोई नहीं, चटनी की वो दो और आप समोसा लो। इसको रखो, वो सो गया। हाँ वो सो रहा था, फिर वो सो नहीं, फिर से चलता। चलो ऐसे हमें घर में लड़की वाले आए हैं, लड़की देखने के लिए पूजा के रिश्ते देखने के लिए। मुझे अच्छा व्हाट इज दिस, रात को अच्छा है, अभी उठ जाएगा तो रात को सोने मिलेगा नहीं। हाँ समोसे वगैरह इसके ऊपर रखोगे हैं? बच्चे को वो बना दो, टेबल बना दो फिर। हाँ ये समोसा, इसी हिसाब से तो चाय के कप भी आए हैं। सबके लिए एटलीस्ट तीन तीन समोसे हैं। ब्रेक आया, हमने टीवी देखते थे पहले, कैसे बोलते थे अरे लड़ाना वाला वाला। और मैं ब्रेक आया, और मैं बताऊं तो क्या, ये लड़का जानबूझ के ऐसा करता है। जब मैं बताता कुछ ये जानबूझ के बदलता है, जानबूझ के हमें तो पापा देखते नहीं दिया करते थे। पकड़ो चार्ज करो बैटरी, सो